नमस्कार, मैं हूं वंदना शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। किसानों को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जी हां, एक हफ्ते के अंदर हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को लागू करने का अहम फैसला लिया है। इससे पहले किसानों को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट कमेटी की मंडियों में ही अपनी फसल बेचने की परमिशन थी, लेकिन अब एक देश एक बाजार नीति लागू होने के बाद देश भर के किसान अब देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। अब किसान को अपनी फसल के लिए जहां भी ज्यादा दाम मिलेंगे वो वहां फसल बेचने के लिए पूरी तरह से फ्री होंगे। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में भी बदलाव कर रही है। सरकार का मानना है कि अनाज, दलहन और प्याज समेत सभी खाद्य वस्तुओं का व्यापार अब मुक्त तरीके से किया जा सकेगा और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि हर स्टेट का अलग अलग एपीएमसी एक्ट होता है। हालांकि महाराष्ट्र एपीएमसी एक्ट सेक्शन 66 के तहत किसानों को अपने माल को कहीं भी बेचने की छूट पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं होने से किसान को अपना माल मंडी में लाकर बेचना जरूरी होता है। अब केंद्र ने इसे एक प्रारूप में कर दिया है। इससे किसानों और उपभोक्ता दोनों का ही फायदा है। इतना ही नहीं, अब किसानों को मंडी के टैक्स से मुक्ति मिल गई है। बता दें कि मंडी के माल बेचने की बाध्यता के चलते किसानों को मंडी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना होता था। मतलब अगर कोई किसान अपनी सोयाबीन की उपज बेचना चाहता था तो उसे मंडी में आना होता था और ऑयल मिल वालों को भी वहां आकर खरीदना होता था और उसे मंडी टैक्स देना होता था। ऐसे में जितना उस मिलर को 2 या 2.5% टैक्स भरना पड़ता था, उसकी भरपाई वो किसान को कम पैसा देकर करता था, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। कृषि मंत्री ने बताया कि मंडी के बाहर किसानों की उपज की बिक्री या खरीद पर किसी भी सरकार का कोई भी टैक्स नहीं होगा और ना ही कोई कानूनी बंधन होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों के पास पैन कार्ड होगा वही किसानों से उत्पाद खरीद सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, लेकिन आपके लिए एक जरूरी बात। अगर आप हमारे चैनल के नए यूजर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।